नमस्कार दोस्तों, सोशल सेवा चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं और जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, जिनकी आयु 18 साल से कम होती है और वो हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, तो वो अपनी पेंशन किस प्रकार से बनवा सकते हैं और उनको ये पेंशन कितने रुपये मिलती है, किस डिपार्टमेंट से ये पेंशन आपको मिलेगी। अगर आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके घर के आसपास ऐसा कोई लड़का लड़की है, कोई बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो आप उसकी पेंशन बनवाकर एक समाज सेवा कर सकते हैं। आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आप किसी दिव्यांग बच्चे की पेंशन बनवा सकते हैं। अगर उस बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो आप उसकी पेंशन आराम से बनवा सकते हैं और ये मासिक पेंशन 1900 रुपये पर महीना बच्चे को मिलती है। जब उसकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो जाती है तो उसकी दूसरी पेंशन चालू कर दी जाती है और इस पेंशन को बंद कर दिया जाता है, या यूं कहें इस पेंशन को कन्वर्ट करके जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है, जो 2750 रुपये इस टाइम हरियाणा में है, वो पेंशन बन जाती है, उसको डिसेबिलिटी पेंशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपके आसपास, आपके समाज में, आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, जो डिसेबल्ड है, तो आप उसकी सेवा कर सकते हैं, आप उसकी सहायता कर सकते हैं, ये पेंशन उसकी बनवा कर उसकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की जानकारी देता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर कोई ऐसा बच्चा है, कोई दिव्यांग बच्चा है जिसकी 60% हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, तो देखिए दोस्तों, आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा है जिसको सिविल हॉस्पिटल के द्वारा, जो उसके नजदीक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जहां पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनती है, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनते हैं, अगर सिविल हॉस्पिटल से किसी बच्चे को 60% दिव्यांग सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र दिया हुआ है, तो वो बच्चा आराम से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर अपनी पेंशन बनवा सकता है। इसके लिए जो प्रोसीजर है वो इस वीडियो में आज हम जानेंगे। देखिए किस प्रकार से आप ये पेंशन बनवाएंगे। मैंने पहले वीडियो बना रखी थी, उसके कमेंट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें नए नए आप प्रश्न करते हैं कि ये तो इसमें ऐसा है, ऐसा है। आज मैं आपको इसमें कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ कि ये पेंशन आप आराम से किस प्रकार से बनवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता कि आपको ये पेंशन किस प्रकार से बनवानी है, तो सबसे पहले आप अपना बच्चा, जो भी आपके आसपास समाज में बच्चा है, उसकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसके अपने सिविल हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से आपको बनवानी है। दिव्यांग प्रमाण पत्र जिसे आप कहते हैं, जिसे हैंडीकैप सर्टिफिकेट आप कहते हैं, जिसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप कहते हैं, ये आपको अपने नजदीकी जो सिविल हॉस्पिटल होता है ना, वहां से बनवा लेनी है। जब वो सर्टिफिकेट आपको आपकी बन जाती है, बच्चे की बन जाती है, तो उसमें अगर 60% हैंडीकैप्ड है तो उसके बाद पेंशन बनवाना बहुत आसान हो जाता है। वो कैसे, देखिए जब सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगी तो आपको सिर्फ बच्चे का आधार कार्ड लेना है, वो सर्टिफिकेट लेनी है और बच्चे की आपको डोमिसाइल बनवा देनी है, आपको हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवा देनी है, अगर वो जिससे ये साबित होता हो कि बच्चा हरियाणा का स्थायी निवासी है, ठीक है। क्योंकि पेंशन का जो डिपार्टमेंट है वो मांगता है कि बच्चे का 15 साल पुराना आप हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट दीजिए। इससे अच्छा है कि उसके पास अगर हरियाणा की डोमिसाइल है तो वो बेस्ट रहेगी, चाहे वो नई हो या पुरानी, उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके पास बच्चे का हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो, और बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो, जिसे आप दिव्यांग सर्टिफिकेट कहते हैं वो, और बच्चे के फैमिली आईडी, ये डॉक्यूमेंट्स, और एक बच्चे की फोटो लेनी है, और एक बच्चे का अकाउंट खुलवा देना है बैंक में जिसमें पेंशन मिलेगी, ये डॉक्यूमेंट्स है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले दिव्यांग सर्टिफिकेट, उसके बाद में बच्चे का डोमिसाइल, बच्चे का आधार कार्ड, एक बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, और बच्चे का बैंक की पासबुक और फैमिली आईडी। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये पेंशन आप मिनट में बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की साइट पर जाना है और वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके नॉन गोइंग नाम से आपको फॉर्म मिलेगा, आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना आता तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फॉर्म का लिंक दे देता हूं, आप वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
या फिर आप ये फॉर्म अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाएंगे और वहां पर सीएससी सेंटर वाले को बताना है कि मेरा बच्चा दिव्यांग है और 18 साल से छोटा है, तो मेरे बच्चे की दिव्यांग पेंशन बनवानी है, आप मुझे वो फॉर्म दीजिए। सीएससी सेंटर वाला भी आपकी फॉर्म देने में हेल्प नहीं करे तो दोस्तों आपको सीधा जिला समाज कल्याण विभाग होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस कहते हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, जहां बुढ़ापा पेंशन बनती है, जहां पर विधवा पेंशन बनती है, उस डिपार्टमेंट में जाना है और जाते ही बोल देना है कि मुझे नॉन गोइंग पेंशन वाला फॉर्म चाहिए। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, वो फॉर्म आपको वहां से मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से इस फॉर्म को लिंक के इस पर डाउनलोड करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इस फॉर्म को आपने फिल करना है, पूरा फॉर्म आपने बच्चे के नाम से फिल करना है, और उसके बाद में आपने क्या करना है, इस फॉर्म पर आपको सरपंच, अगर आप गांव से हैं, अगर आप शहर से हैं, तो आपके वार्ड पार्षद के सिग्नेचर करवाने हैं। और इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सभी की एक एक फोटोकॉपी इसके साथ में अटैच करनी है। फिर आपको www.saralharyana.portal पर जाएंगे और वहां पर सर्च बॉक्स में नॉन गोइंग सर्च करेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, सर्च बॉक्स में आपको नॉन गोइंग सर्च करना है, फिर आपको ये पेंशन का नाम आ जाएगा, नॉन गोइंग डिसेबिलिटी पेंशन। आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, जब आप इस फॉर्म को कंप्लीट फिल कर देते हैं तो फिर फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपके सामने जो फॉर्म का प्रिंट आउट आएगा, वो फॉर्म का प्रिंट आउट की वो स्लिप और जो हार्ड कॉपी में आपको बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, फैमिली आईडी, डोमिसाइल, ये और वो फॉर्म जो आपने बताया था, ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको अपने जिला समाज कल्याण ऑफिस में जमा करवा देने हैं और विभाग द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपकी जल्द से जल्द पेंशन जारी कर दी जाती है। और ये पेंशन आपकी, मान लीजिए आपने इस महीने ऑनलाइन किया तो अगले महीने वो पेंशन बन जाती है, तो उससे नेक्स्ट मंथ आपका अकाउंट आपका पीएफएमएस के साथ जुड़ता है और उसके बाद में बच्चे की 1900 रुपये पेंशन उसके अकाउंट में डाल दी जाती है। और ये पेंशन बच्चे की जब तक उसकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मिलती है, और जैसे ही उसकी 18 वर्ष उम्र कंप्लीट होती है तो इस पेंशन को इस पेंशन को डिसेबिलिटी पेंशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो पेंशन कंटिन्यू चालू रहती है। तो दोस्तों अगर आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और साथ ही आपको बता देता हूं कि ये पेंशन बनवाने के लिए बच्चे का फैमिली आईडी में दिव्यांग होना कंपलसरी है, अगर बच्चे का फैमिली आईडी में डिसेबल्ड नहीं हुआ तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। आपको फिर बता देता हूँ, पेंशन बनवाने के लिए आपको बच्चे की फैमिली आईडी में आपको डिसेबल्ड करना होगा, और किसी का अगर डिसेबल्ड अपने फैमिली आईडी में दिव्यांग यस भी कर रखा है और आप फॉर्म अप्लाई करते हैं फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वो समस्या ये है कि आपने फैमिली आईडी में गलत कैटेगरी चूज की हुई है। आप इस बच्चे की कैटेगरी को लोकोमोटर कर सकते हैं, ये दिव्यांग की कैटेगरी होती है, या आप उसको मेंटल कैटेगरी में कर सकते हैं, फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो एक फॉर्म आपका आराम से अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप ये फॉर्म या तो खुद अप्लाई कर लीजिए या फिर आपको सीएससी सेंटर पे अप्लाई करवा दीजिए, और उससे बेस्ट रहेगा कि आपको जिला अंत्योदय केंद्र में वह जाना है और वहां पर मात्र 10 रुपये में फॉर्म आप अप्लाई करवा कर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, किसी दिव्यांग बच्चे की सेवा करना चाहते हैं, आप किसी दिव्यांग व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, उसके परिवार की कुछ सहायता करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करवाकर एक सेवा का मौका पा सकते हैं।